नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में देख रहे हैं ओमनीसेंट इंग्लिश का 187वें दिन के क्लास को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आप आसानी से बोलना और लिखना सीखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो सीरीज कर बने रहिए। साथ साथ दोस्तों अब देखिए चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, क्योंकि आसानी से बोलना लिखना सिर्फ आप इस चैनल के थ्रू सीख सकते हैं, वो भी बेसिक से, जीरो से। हर एक वीडियो में जीरो सीखने को मिलेगा दोस्तों, तो लाइक कीजिए। अगर वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे वीडियो, अगर एक सेंटेंस भी आपको सीख लगा कि कुछ सीखे हैं, तो आप लाइक जरूर कीजिएगा लास्ट में वीडियो देखने के बाद, और शेयर कीजिएगा सभी लोग को देखने के बाद। तो दोस्तों आइए बात करते हैं ओमनीसेंट इंग्लिश का, और इसे अगले पूरे वीडियो को देखना चाहेंगे। कुछ देर देखने के बाद लगे कि हाँ पिछला वीडियो को भी देखें, तो आप ओमनीसेंट इंग्लिश टाइप कीजिए, प्लेलिस्ट पे जाइए, यूट्यूब सर्च में टाइप करना है, प्लेलिस्ट पे जाकर वहाँ सारी वीडियो देखिए, या नीचे टाइटल के बगल में डिस्क्रिप्शन के लिए, वहाँ से भी सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको। देखिए लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेक्चर्स हमेशा हर वीडियो में मैं देता हूँ, लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है, आप अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं। साथ बोलना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसीलिए यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं। सब कुछ ही इजी स्टेप में सिखाया बताया जाता है दोस्तों, क्योंकि ग्रामर का कुछ खास उपयोग नहीं किया गया है, और ग्रामर का सारा रूल रेगुलेशन जो है सेंटेंस फॉर्मेट पर रखा गया है। देखिए इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, तो दोस्तों मैं बन सकता था लेकिन नहीं बना, मैं हो सकता था लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो इस तरह का सेंटेंस कैसे बनाएंगे। मैं एक अच्छा व्यक्ति बन सकता था, इस तरह का सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों सभी का इलाज है, यहाँ पर सेंटेंस देखेंगे तो देखिए, पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट है मॉडल वर्ब्स के बारे में बात करेंगे। मॉडल वर्ब्स जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, पास्ट में बात करेंगे तो ये शुड है, शुड का पास्ट शुड हैव होता है, कैन का पास्ट कुड होता है दोस्तों, मे का पास्ट होता है माइट, और ये मस्ट है, मस्ट के अलावा एक विल है। देखिए शुड से एडवाइस दिया जाता है, पास्ट से भी पास्ट में एडवाइस देंगे, कैन से एबिलिटी परमिशन प्रोबेबिलिटी, और उसी का पास्ट है तो जाहिर सी बात सेम चीज़ रहेगा, पास्ट में पास्ट एबिलिटी पास्ट परमिशन प्रोबेबिलिटी 40% तक ही लेकिन रहेगा, क्योंकि ये पास्ट है, कैन का पास्ट कुड है। और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस में बोले जाते हैं कुड से लगाकर, ज़्यादा ज़्यादा जितना बोलेंगे उतना अधिक से अधिक आपको अच्छे जानकार समझे जाएंगे। मे का पास्ट माइट होता है, और हम लोग आज माइट के बारे में बात करेंगे, जो कि प्रोबेबिलिटी इसमें 35% या उससे भी कम रहेगी, जबकि मे में प्रोबेबिलिटी जो है 50% तक परमिशन वाले सेंटेंस रहते हैं, मे ही कमिंग सर बोलते हैं, ठीक है। तो ये है पर इसे, लेकिन माइट में ऐसा परमिशन नहीं लेते हैं, सिर्फ प्रोबेबिलिटी वाले सेंटेंसेज रहते हैं। मस्ट में प्रोहिबिशन और प्रोबेबिलिटी 100%, विल में प्रिडिक्शन होता है, और प्रिडिक्शन के अलावा दोस्तों स्पॉन्टेनियस डिसीजन वाले सेंटेंस बनते हैं। तो आज बात करेंगे हम दोस्तों माइट पर, माइट, तो माइट के साथ हम लोग लगाएंगे आज बी, ठीक है, माइट के साथ बी लगाएंगे। तो देखते हैं आगे क्या कुछ खास है आपके लिए, नया नए तरीके से नया सेंटेंस फॉर्मेट के साथ दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे माइट वाले सेंटेंस में प्रोबेबिलिटी जो है 35% और उससे कम होगा। अब प्रोबेबिलिटी का मतलब कि संभावना, संभावना क्या है। तो खैर अब देखिए आगे बढ़ते हैं, और ये एक सब्जेक्ट चार्ट है, इसको समझ लेते हैं क्योंकि जीरो से सीख रहे हैं। नए लोग के लिए इस तरह का है, जो जानते हैं उनको तो बात ही नहीं है। तो दोस्तों देखिए ये सिंगुलर नंबर है, ये प्लूरल नंबर है, ये आई है, इसका प्लूरल बी होता है, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, और यू यू को हम लोग बोलते हैं दोस्तों सेकेंड पर्सन, अब बाकी सारे इसके बाद के सारे जो है थर्ड पर्सन होंगे, ये थर्ड पर्सन इसके अलावा भी सारे थर्ड पर्सन होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और देखिए बात होगा मॉडल वर्ब्स माइट बी पर, माइट बी यानी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है होना बनना, होना भी बनना भी। देखिए सेंटेंस फॉर्मेट है, यानी दो तरह का सेंटेंस मैं बात करूँगा, मैं हो सकता था, मैं बन सकता था, दोनों सेंटेंस बार बार बोलूँगा। अब देखिए चार तरह के सेंटेंस फॉर्मेट होते हैं, याद रखेंगे, अफर्मेटिव जो कि ये है आई माइट बी, मैं हो सकता था, मैं बन सकता था। अब देखिए दूसरा है नेगेटिव, आई माइट नॉट बी, मैं नहीं हो सकता था, मैं नहीं बन सकता था। तीसरा है दोस्तों माइट आई बी, क्या मैं हो सकता था, क्या मैं बन सकता था। तो ये अफर्मेटिव का माइट अगर इधर लाते हैं तो ये इंट्रोगेटिव बन जाता है, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, इसका यानी नेगेटिव का माइट अगर इधर लाएंगे तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन जाएगा, जो कि ये है। तो चार तरह के सेंटेंस हो गए, हिंदी हो जाएगा, क्या मैं
नहीं हो सकता था, क्या मैं नहीं बन सकता था? अब देखिए, आठ तरह के इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। देखिए ये विच है, हु पे बात करें हु, विच, हु का मतलब कौन, विच का मतलब कौन, वेयर, वेयर का मतलब होता है तो कहाँ, वेयर के बाद होगा वेन, वेन मीन्स कब, ठीक है, वेन के बाद ले लेते हैं वॉट, वॉट का मतलब होता है क्या, और उसके बाद वाई, वाई का मतलब क्यों, हुज, हुज का मतलब किसका, और हाउ, हाउ का मतलब कैसे। तो यहाँ पर हाउ, उसके बाद वॉट और वाई, तीन जो है लेंगे, और बाकी को आपको जैसे मैं तीन लूँगा उसी तरह आपको शेष जो है जो बचेगा आपके पास उन सब का प्रयोग करना होगा। जितना आप अधिक से अधिक ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे आपकी समझ उतना ही बढ़ेगा, आपका इंग्लिश पे, इंग्लिश में जो है इंग्लिश लैंग्वेज में आपका दखल उतना ही अधिक रहेगा। तो देखिए ये है इंट्रोगेटिव, ये देखिए अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो ये इंट्रोगेटिव में माइट के पहले, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में माइट के पहले ये सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लगाते हैं। तीन तो आप यहाँ देखेंगे ही, तो वाट लगा दिया मैंने इंट्रोगेटिव में, व्हाट माइट आई बी, मैं क्या हो सकता था, मैं क्या बन सकता था, व्हाट माइट आई नॉट बी, मैं क्या नहीं हो सकता था, मैं क्या नहीं बन सकता था, व्हाई माइट आई बी, मैं क्यों हो सकता था, मैं क्यों बन सकता था, व्हाई माइट आई नॉट बी, मैं क्यों नहीं हो सकता था, मैं क्यों नहीं बन सकता था, हाउ माइट आई बी, मैं कैसे हो सकता था, मैं कैसे बन सकता था, हाउ माइट आई नॉट बी, मैं कैसे नहीं हो सकता था, मैं कैसे नहीं बन सकता था। तो दोस्तों ये जो है वाट, ये वाई, ये हाउ हो गया, बाकी शेष आपको लिखना है और बोलना है। साथ साथ इसका देखिए वी पे लेते हैं, प्लूरल नंबर, वी माइट बी, हम लोग हो सकते थे, हम लोग बन सकते थे, माइट नॉट बी, हम लोग नहीं हो सकते थे, हम लोग नहीं बन सकते थे, माइट वी बी, क्या हम लोग हो सकते थे, क्या हम लोग बन सकते थे, माइट वी नॉट बी, क्या हम लोग नहीं हो सकते थे, क्या हम लोग नहीं बन सकते थे। तो यहाँ इंट्रोगेटिव में, यहाँ नेगेटिव इंट्रोगेटिव में जो है व्हाट लगाएंगे, डब्ल्यू एच क्वेश्चन लगाएंगे, जो कि पिछला साइड में आपने देखा, सेम उसी तरह व्हाट माइट वी बी, हम लोग क्या हो सकते थे, हम लोग क्या बन सकते थे। नेगेटिव है इसका व्हाट माइट वी नॉट बी, हम लोग क्या नहीं हो सकते थे, हम लोग क्या नहीं बन सकते थे। अब देखिए वाई लेते हैं, वाई माइट वी बी, हम लोग क्या, क्यों हो सकते थे, हम लोग क्यों बन सकते थे, वाई माइट वी नॉट बी, हम लोग क्यों नहीं हो सकते थे, हम लोग क्यों नहीं बन सकते थे, हाउ माइट वी बी, हम लोग कैसे हो सकते थे, हम लोग कैसे बन सकते थे, हाउ माइट वी नॉट बी, हम लोग कैसे नहीं हो सकते थे, हम लोग कैसे नहीं बन सकते थे। दोस्तों ये था प्लूरल, सिंगुलर का प्लूरल, तो आप एक साथ लिखेंगे। अब सेकंड पर्सन पे चलते हैं, यू सिंगुलर नंबर, यू माइट बी, तुम, आप हो सकते थे, तुम हो सकते थे, तुम बन सकते थे, ठीक है, आप हो सकते थे, आप बन सकते थे, ये सेंटेंस हो जाएगा। You might not be, तुम नहीं हो सकते थे, तुम नहीं बन सकते थे, Might you be, तुम, क्या तुम हो सकते थे, क्या तुम बन सकते थे, Might you not be, क्या तुम नहीं हो सकते थे, क्या तुम नहीं बन सकते थे। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, यहाँ पर इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू एच क्वेश्चन लगाएंगे, तो व्हाट लगाते हैं, व्हाट माइट यू बी, तुम क्या हो सकते थे, तुम क्या बन सकते थे, What might you not be, तुम क्या नहीं हो सकते, तुम क्या नहीं बन सकते थे, Why might you be, तुम क्यों हो सकते थे, तुम क्यों बन सकते थे, Why might you not be, तुम क्यों नहीं हो सकते थे, तुम क्यों नहीं बन सकते थे, How might you be, तुम कैसे हो सकते थे, तुम कैसे बन सकते थे, How might you not be, तुम कैसे नहीं हो सकते थे, तुम कैसे नहीं बन सकते थे। दोस्तों ये माइट है, इसका प्लूरल भी सेम रहेगा इंग्लिश में, हिंदी में सिर्फ सब्जेक्ट का बदलाव रहेगा। तो
यू माइट बी, तुम लोग हो सकते थे, आप लोग हो सकते थे, आप लोग बन सकते थे। यू माइट नॉट बी, तुम लोग नहीं हो सकते थे, तुम लोग नहीं बन सकते थे। माइट यू बी, क्या तुम लोग हो सकते थे, क्या तुम लोग बन सकते थे। माइट यू नॉट बी, क्या तुम लोग नहीं हो सकते थे, क्या तुम लोग नहीं बन सकते थे। तो इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू एच क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए ये है माइट यू बी, जो कि ये आप देखने को देख रहे होंगे, इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस से पहले व्हाट लगाया गया, तुम लोग क्या हो सकते थे, तुम लोग क्या बन सकते थे। नेगेटिव बनाएंगे तो यू लग के बाद नॉट आया था, व्हाट माइट यू नॉट बी, क्या तुम लोग क्या नहीं हो सकते थे, तुम लोग क्या नहीं बन सकते थे। वाई माइट यू बी, तुम लोग क्यों हो सकते थे, तुम लोग क्यों बन सकते थे। वाई माइट यू नॉट बी, तुम लोग क्यों नहीं हो सकते थे, तुम लोग क्यों नहीं बन सकते थे। हाउ माइट यू बी, तुम लोग कैसे हो सकते थे, तुम लोग कैसे बन सकते थे। हाउ माइट यू नॉट बी, तुम लोग कैसे नहीं हो सकते थे, तुम लोग कैसे नहीं बन सकते थे। तो दोस्तों ये था सेकंड पर्सन प्लुरल नंबर। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर लेते हैं, ही माइट बी। एक सेंटेंस बनाते हैं, एक्चुअली बनाइए आप, कि जहाँ तक मुझे विश्वास है, सो फार एज आई बिलीव दैट, इतना तो मैं बता दे रहा हूँ कि वह जो है सरकारी नौकर बन सकता था। आप इसका सरकारी यानी कि सरकारी नौकर बन सकता, वह सरकारी नौकर बन सकता था, इसी सेंटेंस को फॉलो करते हुए आप बनाइए। जहाँ तक मुझे विश्वास है कि वह एक सरकारी नौकर का मतलब कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी बन सकता था। सेंटेंस का आप नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। नेगेटिव बनाएंगे दोस्तों, ही माइट नॉट बी, वह नहीं हो सकता था, वह नहीं बन सकता था। माइट ही बी, क्या वह हो सकता था, क्या वह बन सकता था। माइट ही नॉट बी, क्या वह नहीं हो सकता था, क्या वह नहीं बन सकता था। तो दोस्तों अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। अब देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव में, यहाँ पर नेगेटिव इंट्रोगेटिव डब्ल्यू क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव वाला है। माइट ही बी, माइट ही बी, तो व्हाट लगा दिए, व्हाट माइट ही बी, वह क्या हो सकता था, वह क्या बन सकता था। व्हाट माइट ही नॉट बी, वह क्या नहीं हो सकता था, वह क्या नहीं बन सकता था। व्हाई माइट ही बी, वह क्यों हो सकता था, वह क्यों बन सकता था। देखिए इसका नेगेटिव बनाएंगे दोस्तों, वाई का, व्हाई माइट ही बी का नेगेटिव हो जाएगा, व्हाई माइट ही नॉट बी, वह क्यों नहीं हो सकता था, वह क्यों नहीं बन सकता था। फिर से एक बार दोस्तों, व्हाई माइट ही बी, व्हाई माइट ही बी, वह क्यों हो सकता था, वह क्यों बन सकता था। Why might he not be? वह क्यों नहीं हो सकता था, वह क्यों नहीं बन सकता था। अब देखिए how लेते हैं, how might he be? वह कैसे हो सकता था। अब बोलते होंगे इस रोज इस तरह की बात, वह कैसे हो सकता था, मुझे विश्वास ही नहीं, मुझे विश्वास नहीं है, वह कैसे हो सकता था, वह कैसे बन सकता था। How might he not be? वह कैसे नहीं हो सकता था, वह कैसे नहीं बन सकता था। दोस्तों मेरा सवाल फिर से इस स्लाइड के बाद आप एक कमेंट करिए, जहाँ तक मुझे विश्वास है कि वह एक सरकारी कर्मचारी बन सकता था। कमेंट करिए, अगर आपने सीखा है, समझ लिया है, तो आप जरूर नीचे लिख के कमेंट करेंगे। दोस्तों सी है, सी माइट बी, वह हो सकती थी, वह बन सकती थी। सी माइट नॉट बी, वह नहीं हो सकती थी, वह नहीं बन सकती थी। माइट सी बी, क्या वह हो सकती थी, क्या वह बन सकती थी। माइट सी नॉट बी, क्या वह नहीं हो सकती थी, क्या वह नहीं बन सकती थी। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यहाँ पर इंट्रोगेटिव में, ठीक है, यहाँ इंट्रोगेटिव में और यहाँ इंट्रोगेटिव के पहले नेगेटिव में, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी डब्ल्यू एच क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। तो व्हाट लगाते हैं, व्हाट माइट सी बी, वह क्या हो सकती थी, वह क्या बन सकती थी। व्हाट माइट सी नॉट बी, वह क्या नहीं हो सकती थी, वह क्या नहीं बन सकती थी। व्हाई माइट सी बी, वह क्यों हो सकती थी, वह क्यों बन सकती थी। व्हाई माइट सी नॉट बी, वह क्यों नहीं हो सकती थी, वह क्यों नहीं बन सकती थी। हाउ माइट सी बी, वह कैसे हो सकती थी, वह कैसे बन सकती थी। हाउ माइट सी नॉट बी, हाउ माइट सी नॉट बी, वह कैसे नहीं हो सकती थी, वह कैसे नहीं बन सकती थी, ठीक है। वह कैसे नहीं हो सकती थी और वह कैसे नहीं बन सकती थी। दोस्तों
हाउ वाले सेंटेंस तो बहुत याद रखेंगे क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस इसे रोज रोजाना लोग बोलते हैं, वाई वाले। ठीक है, वह कैसे बन सकती थी, वह कैसे हो सकती थी, वह कैसे नहीं सकती थी, वह कैसे नहीं बन सकती थी। तो आइए बात करते हैं इसका दोनों का प्लूरल पे। तो देखिए, ये जो सी आपने देखा, ठीक है, सी और ही दोनों का प्लूरल क्या होता है, दे होता है। दोनों का स्लाइड जो है, एक ही स्लाइड मैंने लिया है, आप क्या करेंगे, सी के साथ अलग, बी ही के साथ अलग लिखेंगे। तो दे माइट बी, वे लोग हो सकते थे, वे लोग बन सकते थे। दे माइट नॉट बी, वे लोग नहीं हो सकते थे, वे लोग नहीं बन सकते थे। माइट दे बी, वे लोग, क्या वे लोग हो सकते थे, क्या वे लोग बन सकते थे। माइट दे नॉट बी, क्या वे लोग नहीं हो सकते थे, क्या वे लोग नहीं बन सकते थे। तो दोस्तों, ये अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। तो इन दोनों के पहले डबल क्वेश्चन लगाएंगे। तो ये देखिए, व्हाट लगा दिया मैंने, व्हाट माइट दे बी, वे लोग क्या हो सकते थे, वे लोग क्या बन सकते थे। व्हाट माइट दे नॉट बी, वे लोग क्या नहीं हो सकते थे, वे लोग क्या नहीं बन सकते थे। व्हाई माइट दे बी, वे लोग क्यों हो सकते थे, वे लोग क्यों बन सकते थे। व्हाई माइट दे नॉट बी, वे लोग क्यों नहीं हो सकते थे, वे लोग क्यों नहीं बन सकते थे। देखिए, हाउ माइट दे बी, वे लोग कैसे हो सकते थे, वे लोग कैसे बन सकते थे। हाउ माइट दे नॉट बी, वे लोग कैसे नहीं हो सकते थे, वे लोग कैसे नहीं बन सकते थे। तो अब आइए बात करते हैं, एक नाम ले लेते हैं, और नाम है आर्यन। प्रतीकात्मक रूप से आप अपने सगे संबंधित दोस्त फ्रेंड्स का जिसका भी नाम लीजिए, एक सेंटेंस उनको इंग्लिश में बोल कर या लिख कर जरूर भेजिए। आर्यन माइट बी, आर्यन हो सकता था, आर्यन बन सकता था। आर्यन माइट नॉट बी, आर्यन नहीं हो सकता था, आर्यन नहीं बन सकता था। माइट आर्यन बी, क्या आर्यन हो सकता था, क्या आर्यन बन सकता था। माइट आर्यन नॉट बी, क्या आर्यन नहीं हो सकता था, क्या आर्यन नहीं बन सकता था। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यहाँ पर इंट्रोगेटिव और यहाँ पर नेगेटिव इंट्रोगेटिव के पहले डब्ल्यू क्वेश्चन लगा लेंगे, तभी आप अधिक से अधिक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाले सेंटेंसेस को सीख पाएंगे। दोस्तों देखिए, सही सी बात है, व्हाट माइट आर्यन बी, आर्यन क्या हो सकता था, आर्यन क्या बन सकता था। व्हाट माइट आर्यन नॉट बी, आर्यन क्या नहीं हो सकता था, आर्यन क्या नहीं बन सकता था। एक सेंटेंस यहाँ पर लेते हैं दोस्तों, कि राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि राजू नेता बन सकता था। ठीक है, सेंटेंस कैसे बनाएंगे आप, आइए आगे बढ़ते हैं। तो आप ध्यान देंगे, सेंटेंस बनाइए, कमेंट कीजिए। व्हाट माइट आर्यन बी, आर्यन क्यों हो सकता था, आर्यन क्यों बन सकता था। व्हाई माइट आर्यन नॉट बी, आर्यन क्यों नहीं हो सकता था, क्यों नहीं बन सकता था। हाउ माइट आर्यन बी, आर्यन कैसे हो सकता था, आर्यन कैसे बन सकता था। हाउ माइट आर्यन नॉट बी, आर्यन कैसे नहीं हो सकता था, आर्यन कैसे नहीं बन सकता था। तो दोस्तों फिर से मेरा फिर से ही जब सवाल रहेगा कि राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं गर्व से कह सकता हूँ कि राजू नेता बन सकता था, कैसे बनाएंगे आप, बनाइए अगर जानते हैं तो। दोस्तों ये है, एमएस लगा देंगे तो प्लूरल सेंटेंसेस बन जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइन भी आप सीख पाए तो लाइक कीजिएगा जरूर, शेयर कीजिए सभी लोग को, और जो कि स्कूल कॉलेज के पास होने के बाद इंग्लिश नहीं सीख पाए उनके लिए वीडियो है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया है तो साथ साथ घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए दोस्तों। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। और फिर से एक बार मैं कहता हूँ कि ये बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़ों के लिए है दोस्तों। तो जो कि लिखना सीखना चाहते हैं, पढ़ना सीखना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और खास महत्वपूर्ण सेंटेंस फॉर्मेट के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।